वो फरमा रहे हैं कि मैं जुल्फकार अली भट्टो की सियासत कर रहा हूँ। नहायत बिलावल साहब आप नौजवान हैं, अच्छे हैं, आप पे अभी तक करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है। अदब एहतराम से आप भट्टो की सियासत नहीं कर रहे, आप बेनज़ीर की सियासत नहीं कर रहे, आप जरदारी साहब की कर रहे हैं। जिस दिन आपने भट्टो की सियासत शुरू कर दी आपका कद इन बोनों से ऊँचा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर वालों का बैगेज ख़त्म करना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मौलाना के धरने में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अब्बा जी ने कहा आज छुट्टी नहीं है, अब्बा जी ने कहा आज छुट्टी नहीं है। तो अब्बा होते हैं ना, चाहे जेल में हो या अंदर। जी ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक नया इमेज नहीं सियासत कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं अब्बा जी कह रहे हैं। अब्बा जी कहाँ से आ गए इसमें? यार देखे, मैं अब्बा जी ने आज फरमाया ना, सुनने बड़ी सियासी जमाते हैं, देखे दोनों के अब्बा जी अंदर है। अब मौलाना फजलुर रहमान आते हैं, 1.5-2 लाख बंदा ले आते हैं, मदरसों के नौजवान, और खुदा ना खास्ता वहां कोई मिस ऐप हो जाता है, इन दोनों जमातों के पास कुछ नहीं रहेगा, मौलाना सब हीरो बन जाएंगे। तो ये बेवकूफ है, ये बहुत दूर की गेम खेलते हैं। एक और बात है, आप मैंने बताऊं मिसाल के तौर पर क्या यहाँ पे तहरीकें चली, यहाँ पे तहरीक नफाज मुस्तफ़ा भी चली, 68-69 की तहरीक भी चली, आज क्या स्टेक पे है? मैं सुन रहा हूँ आप अभी, 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 अभी सारे बातें करते हैं, आज हम कहते हैं शदीद महंगाई है,